1,01,100 का सहयोग दिया है श्री कमल सिंह जी, बिंद्रा सिंह जी, सुल्ताना। जोरदार तालियों स्वागत करें, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। 51,000 का सहयोग दिया है गिरधर सिंह जी, रूप सिंह जी, बड़ा गांव। जोरदार तालियों स्वागत करें। 51,000 का सहयोग दिया है उत्तम सिंह जी, पीरदान सिंह जी, सुनोपश्री भगवान सिंह जी, अर्जुना। जोरदार तालियों स्वागत करें, बहुत बहुत धन्यवाद। 51,000 का सहयोग दिया है खेत सिंह जी, सुनोपश्री प्रताप सिंह जी, अर्जुना। जोरदार तालियों स्वागत करें, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। और 1,16,550 रुपये का सहयोग रागवा गांव की तरफ से दिया है। जोरदार तालियों स्वागत करें, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। और 51,000 का सहयोग बाल सिंह जी, सुजान सिंह जी, अर्जुना। जोरदार तालियों स्वागत करें, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। और 35,000 रुपये का सहयोग अमृतपाल सिंह जी, भगत सिंह जी की तरफ से। जोरदार तालियों का स्वागत करें, बहुत बहुत धन्यवाद। 35,000 का सहयोग मल सिंह जी का परिवार सुल्ताना तेजमाल तक। जोरदार तालियों स्वागत करें मल सिंह जी का परिवार तेजमाल तेजपाला की तरफ से। जोरदार तालियों स्वागत करें। और 35,000 का सहयोग अमरा राम जी, ज्ञाना राम जी, गोदारा। जोरदार तालियों स्वागत करें, बहुत बहुत धन्यवाद। 35,000 का सहयोग कल्याण सिंह जी, शेरावा। जोरदार तालियों स्वागत करें। 35,000 का सहयोग पीरदान सिंह जी रागो, जुगत सिंह जी रागो, सुंदर सिंह जी सायंत रागो, गांव रागवा। जोरदार तालियों स्वागत करें। और 35,000 का सहयोग श्री गंगाराम जी, पुरखाराम जी की तरफ से। जोरदार तालियों स्वागत करें। 35,000 का सहयोग जब्बर सिंह जी, प्रेम सिंह जी, देवी सिंह जी, डीगा की तरफ से। जोरदार तालियों स्वागत करें, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। आपकी राशि दिन दुनी रासोग्नि बने और गुरु महाराज का आशीर्वाद सदा आपके ऊपर बना रहे। बोल सतगुरु भगवान की। घर नारायण छायो जी
बोलिए भगत वत्सल भगवान की जय हो। हरि ओम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। भज कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। भगत वत्सल भगवान सदगुरु दयाल पूज्य गुरुदेव सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित ने जन्म मृत्यु भय निवारण जी कथा श्रवण करा। थोड़ा बेस कम कर राम राजा परीक्षित की इच्छा समझ पूज्य गुरुदेव भगवान श्री कृष्ण की बाल लीला को श्रवण करावे समय अनुसार। कस ने जीती नु पतो लाग्यो कि मेरी मृत्यु मेरो काल कोई न कोई जगह पैदा हो चुको। कंस आपरा मंत्री आपरा सेवक जो भी सलाहकार आ सब ने बुला और एमरजेंसी मीटिंग रखे और सब ने तरीको पूछे रे भाई आवा थोड़ी सी कम कर। बोले जो मारो काल पैदा हो चुको भी ने थे इतना लोग मारा से पार्टी हो इतना सैनिक हो मंत्री संतरी थे भी ने ढूंढ कौन सको। पूतना नाम री एक राक्षस नी वे बाल बाल बोले भाई साहब इतना जना की जरूरत ही कौन थे तो गांव भेड़ो करियो है मैं एकली गणी ये काम ने तो बस आपरो आदेश थी दे। बोले थार कने एड़ो काई भाई दवाई है जो तू सीधो ही मार ले काल नहीं ढूंढ ली। बोले महाराज दवाई तो कोने पर निदान करनो सिक्योरिटी हूं मैं खेत में निदान करे ई महीने में जन्मिया नी टाबर आडे कटी में एक नहीं कौन छोड़ू ग्रामो ढूंढ ढूंढ सगान सलटा दे तो कोई कोई रवे बांस कोई बाजे बांसुरी भाई आ दिना में तो जन्मियो आकाशवाणी तो परसों हुई है ई महीने में जितना भी टाबर जन्मियोड़ा एक नहीं छोड़ू ही कोने फिर थारो काल कटाऊ रही। कंस के भाई तू तो बड़ी होशियार है तने इनाम दियो जाए एड़ो काम कर दे तो बहुत बढ़िया धन्यवाद है तने। अब्बा पूतना शुरू है बटो नंबर लेवे मथुरा रवाना वे तो जो भी छोटा छोटा गांव आगे यूं करता करता बिने कोई पतो लाग्यो कि आजकल गोकुल रे माने दो बालक पैदा होया है और मारी बड़ी छवि है बड़ी प्रसन्नता है गांव रे माने और बड़ा लोग देख देख राजी हुए बड़ा दर्शन करने जावे दूर दूर हूं तो न जाने पहले आप बटे ही पहुंचा घनी भीड़ है जटी बाद ने बाद मुसलटा पूतना धीरे धीरे जावे नंद बाबा रे महल के नजदीक जावे तो बठारो दृश्य देख रहे एक बार तो पग पाचा पड़ जावे क्योंकि कपट रूपी कितनी भी छाया वे राम जी रो नाम वे बठे पग मेल नो बहुत दोरो वे कपट रूपी छाया रो। फिर अगर मेल नो पड़े पग परमात्मा री कटी भगवान री भक्ति सत्संग कथा कीर्तन चाल लाग रही बट कोई कपटी आदमी जानो भी चावे तो वो कपट रूप में कौन जा सके।
बिने स्वांग बदलनो पड़ी, पहली मंदिर जाई, पहली स्नान कराई, टीका काढ़ी, भभूति लगाई, प्रणाम करी, दंडवत करी, घड़ी चार बार गुरुजी रे प्रणाम करी, चार बार भागवत्र करी, चार बार मंदिर जन लोग सगड़ा देख ले रे बापड़ो, तो आप सगड़ो ज्यादा भगत है हुए सही जेब काटना। अब थे सो तो भाई सत्संग में कोई जेब काटना थोड़ी आया करे, लेकिन मार साथ तो खुद सागे बीती उड़ी है, थे तो जेब ने रो बाजार मारा हारमोनियम ले गया, चोर बजाता बजाता स्टेज में तो पेटी बजावे नहीं, ये तो मोटो भीलवाड़ा में कोई कथा चाले, मारा पूज्य स्वामी जी है जगदीशपुर जी महाराज जी मारा साथ में, मैं यूँ कीर्तन करने गिवड़ो साथ कथा तो बै करे स्वामी जी। तो अब आप 15 मिनट छुट्टी करें, जहाँ बीच में छुट्टी कोई 10 मिनट जल पानी करने नींबू शिकंजी वगैरह स्टेज पीछे बनी उड़ी, बोले भाई जल्दी से पीरो वापिस आ जाओ कथा और करनी है। मैं स्टेज में तो खड़ा उड़ गया, सामने बैठा था कम हुई, मारा पंडित जी बैठे कहीं 50 अर्थ एक पंडित जी है बट 50 पाठ होने लाग रहा भागवतरा एक साथ मूल पाठ 51 पाठ, तो लेना लेना पंडित सब बैठा और एक पंडित जी मारे ऊपर खड़ा ध्यान रखे कोई ना कहीं चीज है कोई चीज जाए जा सगड़ा ने खड़ो नहीं होना पड़े। अब वो बाजो चोरी करने वाला जो आयो मैं तो 2 मिनट वास्ते मन सुन लार गया, और चोरी करने वाला बाजो उठा या सीधो थाने को ले गयो बाजो स्टेज माता उठा नीचे रखियो, नीचे रखकर बजाय पछ मैंने बतावे लोग जका देखियो जका बाजो बजाय बाजार में पंडित जी खड़ा ने बा पंडित जी कहे भाई महाराज बाजो तो जोरदार है, जन के महाराज गावी जोरदार है बाजो जोरदार क्यों कोने जोरदार तो होनी है भाई, जना आप भी आप चैन बंद कर आप लेर सीधो लोग बैठा आराम ठकराई हूँ गयो लेर जार आप टैक्सी टेम्पो चढ़ गयो बारे मोटरसाइकिल जो 2 मिनट बाद मैं सिकंदी पी रण आयो इन मिन दूसरा कहीं देखो भाई मारो बाजो मन काटा मारा थे जाना तारो बाजो। पंडित जी ने पूछो मैं क्यों पंडित जी मारो बाजो के बाजा तो आपका चेला गया अभी लेके गया था आपके पास में कौन सा चेला मैं फिर पतो लगे चेलो चेलो को वो गुरु ही हो कोई फिर भी कैमरे में खोज करी वो लाई साल तो भाई अट कौन कौन बैठी हो पंडित जी के मैं ओढ़ लू भी आदमी ने वो नहीं हो कौन वो हमेशा कथा सुने सामने बैठ रहे एकदम सामी नजदीक बैठो 6 दिन छठे दिन वो कथा सुनी कितो नाटक करनो पड़ियो चोर ने 6 दिन तक कथा सुननी पड़ी देखो दे भगवान री भक्ति रे मायने अगर कोई नाटक करे तो भी पहली कीर की आडंबर भक्ति टाइप प्रूव करनो ही पड़ी जदी दार भी में प्रवेश कर सके नहीं तो सीधे सा काले मन को जा सके 6 दिन मेरी कथा सुनी जन 10,000 बाजो मिलियो भी नहीं ले तो गयो वो लेकिन दुनिया में बड़ा बड़ी आत्म है यूं बात आएगी ना सुनाई बाकी बाजे रो कोई दुख को नहीं पाछो बट सेठ गणाई कथा कराने वाला मैंने तो 2 दिन योग ही बुखार आयो कोई कारण बस रात में सर्दी लाग गई जब बुखार आयो तेरह थोड़ो ये हुई है बाणिया बैठा स्वामी के महाराज क्या मुंडो उतारो बाजू ही तो गयो है तार बाजू ला दिया थे हिमत्रा को मैं क्यों मुंडो तो और कारण उतरियो है बाजू पाछो आ गयो लेकिन बात याद आएगी तो की भगवान री भक्ति रे मायने अगर प्रवेश करना है कोई कपटी आदमी है तो भी बिन रूप बेड़ो बनानो पड़े तो पूतना जूई बट प्रवेश करी नंद बाबा रे आगे बट रंग ढंग देखियो तो लोग तो बड़ा भक्ति भाव में डूबी उड़ा बड़ो कीर्तन बड़ा आनंद लेने लाग रहा है तो भी देखियो मैं तो राक्षस नहीं हूँ ए लोग सब भगवान रा भगत है अट मन बड़ा नहीं कौन दे पहली भी रूप बदली करियो पहली स्वांग बदली करियो भी काय करियो बे भगत हा जेड़ो रूप धारण करियो एक सुंदर गोपी रो रूप धारण कर और बा भीड़ में प्रवेश हो जार माँ यशोदा रे सामने जार बा पहली सामी हुई बोली के भाई मन था यशोदा थारे कन तो मोटा मोटा लोग आवे मारे जड़ा गरीबा ने कौन ओढ़ के मन ठाए तू मने पूछ इकट्ठा आई है रखन की गई हजार बात पूछी पर भाई मैं तो आई तो लाले रा दर्शन करने हूं यशोदा रे भी बूढ़े बुढ़ापे में बालक की प्राप्ति हुई जद देखे रे भाई कोई ने नहीं कहना चाहिए आयो भी सारो देखने कोई बात नहीं भाई मारो कहीं लालो थारी सब कृपा थारी आशीर्वाद में भगवान कृपा करिए मायने पालने में तू जा दर्शन करिया बाबा तो इतो ही चाहती पूतना बटाओ रवाना हुई आपरा स्तन पर विष जहर लगा गई क्योंकि मेरे तो एक ही काम हो कि अपन तो जीता भी बालक जन्म दियो माने खत्म करना है स्तन पान कराने रे लक्ष्य जार भगवान कृष्ण जो पालनो है बड़दार खड़ी रहे भगवान भी पूतना ने देकर आंख बंद कर ले एक बार तो अलग अलग महापुरुष लोग विचार करे कोई कहीं उदाहरण बतावे कोई कहीं बतावे बोले भगवान कृष्ण आंख बंद कर भगवान भोलेनाथ ने याद किया कि भगवान मैं तो ही गोकुल वृंदावन रे मैंने माखन मिश्री माल दिमण खतर आये और थे तो उद्घाटन में जहर भेज दियो भगवान ओ काम तो थारो है मारो तो ब्यास ही कौन बाबा थे कृपा करो आप पहली तो पता आगे मैं सड़ ले आप आपरा महापुरुष लोग विचार बतावे बाद में भगवान जद पूतना रे सामी देखे पूतना उठार गोदी में लेवे और दूध पिलाना चाहे दूध तो कहीं बात विष लगेड़ो स्तना पर
भगवान कृष्ण दूध पीणो शुरू करे, पीता पीता इतो दूध की प्राण खेसना शुरू कर दे वीरा राक्षस मेरा। आखिर वीरो छाती में दर्द हुआ बहुत ज्यादा, भी देखियो रे अटेक दूरों पड़े दड़ी स्थिति आएगी। बोले रे लाला छोड़ दे छोड़ दे, अब दूध इतो ये छोड़ दे। भगवान कृष्ण धीरे से बोले मासी जी मैं तो पकड़ ही जाना, छोड़ना तो सिस्टम ही को नो, बस देखो कब्जे में आएगी वो बस आएगी वो। आखिर करता करता पूत मारा प्राणी खेस ले, अब मरते समय कड़ो कपटी आदमी वे आखिरी समय में आपकी वास्तविकता पर आ जाया करे। पूतना जो आप दैत्य शरीर वो धारण करे, बहुत बड़ो विशाल काय शरीर भी आंगने रमाने जोरू पड़े धड़ाम देती रहो, पड़ता ही प्राण हरियो तत्सत। अब जोरू आवाज आवे मेरी पढ़ने री तो बारे माँ यशोदा इत्यादि बहुत सारा लोग हा वे दौड़ रहा वे अंदर देखे तो घबरा जा सगड़ा, कह रहे ओ कहीं यो आ कट कर आई भाई अपा जरों जना बारे खड़ा, इतनी मोटी राक्षसनी बड़ी कट कर। लेकिन फिर एक बूढ़ी कोई गोपी वा भगवान कृष्ण अज तक मेरी छाती पर ही बैठा है, उठार बालक ने लेर दौड़ी दौड़ी गौशाला में जा रहे, कोई बात नहीं फिर भी भगवान रक्षा करी, ये अपने टाबर रखी कौन बिगड़ी हो परमात्मा रक्षा करी ले जा गौशाला में गाया ही गाय री पूछ हूँ सात बार दाड़ो गाले विश्वास और श्रद्धा ही श्रद्धाओं ही सब कुछ हुए। राम ये साबू अनेक प्रकार की लीला भगवान श्री कृष्ण की बाल लीला पूज्य गुरुदेव राजा परीक्षित ने स्मरण करावे। आगे री कुछ और लीला वे कई तरह तरह रा देते राजा कंस भेज तो जावे और अड़ने बाणजो भी ये साबरो जीता खिलौना भेजे मामो तोड़ मरोड़ वो फेंक देवे देते लोगों ने खत्म कर दे। कुछ समय रे बाद में गर्गाचार्य जी महाराज एक दिन नंद बाबा रे महल में आवे। गर्गाचार्य जी महाराज ने देख कर नंद बाबा बड़ा प्रसन्न हुए, बोले महाराज बड़ी कृपा करिए थे मारे एक तो रोहिणी पुत्र एक यशोदा पुत्र है, दोनों बालक है छोटा छोटा, मारो नाम संस्कार कराना है महाराज, अजे तक मैं तो नाम ही कौन निकलो है मारो, बड़ी कृपा करी थी आज आ कृपा करो। गर्गाचार्य जी बोले भाई मैं तो एड़ो काम करूँ कौन, क्योंकि थे तो छोटी सी बात हुए ढोल बजाना शुरू कर दो, बालक ने छींक आ जाओ तो थे तो कह लो छींक रो उत्सव मनाओ, करवट बदले तो उत्सव मनाओ, थोड़ी किलकारी कर दी तो उत्सव मनाओ, अब मैं नाम संस्कार करूं थे ढोल बजाना नाचना शुरू कर दे, बड़द में राक्षस लोर बे तो हाथ धोर लारे पड़िया है, फालतू कटीर कटी मारे माध्यम कोई टावरा ने शक्ति पहुंच जावे मैं अड़ो काम कौन करूं। जब नंद बाबा बोले बाबा अगर एड़ी बात है तो पंडित जी महाराज मैं आज कोई प्रकार उत्सव कराई कौन थे या करो आंगणो ही कौन नहीं पातलो, गौशाला रमाने दार बालका ना नाम संस्कार कर दो, गौशाला तो स्वतः स्वाभाविक पवित्र वे सदैव बटकी करनो ही कौन। नंद बाबा रो कहणो मान और गर्गाचार्य जी महाराज यशोदा और रोहिणी रा जो दोनों पुत्र है बार बालका रो नाम संस्कार करे, एक रो नाम श्री कृष्ण एक रो नाम बलराम जी, और बाद में माँ यशोदा पंडित जी महाराज ने गर्गाचार्य जी ने बोले महाराज बहुत दिनों आया हो भोजन कर पधारो आप। पहली पुराने समय माने ब्राह्मण लोग जो होता आप बड़ो ध्यान रखता खान पान रो उठ बैठ रो, यजमान रे घरे जाओ था जरूर लेकिन भोजन अगर करना हो तो बे सुखी रसोई ले रहा आप रे हाथों बनार पहली चूल्हो चोको नीप चोप सही कर करार हाथों बनार भोजन करिया करता। गर्गाचार्य जी ने माँ यशोदा गाय रो ताजो दूध दूर दे दियो चावड़ दे दिया, बोले महाराज खीर बना लो भोजन बना लो। गर्गाचार्य जी बोले माँ आज मैंने और कटी जानो है बाकी सब्जी रोटी तो कौन बनाऊ खीर बना लू तो थारी मान मनवा रे धीर प्रसाद यू जी। गर्गाचार्य जी महाराज बढ़िया खीर बनाई खीर बना और थाली माने ठंडी कर और अबे आंख बंद कर भगवान ने याद करे हे गोविंद हे भगवान हे प्रभु आओ भोग लगाओ पच में ही भोजन कर। अब जीवन भर हमेशा महाराज रो पंडित जी महाराज रो स्वभाव पड़ियोड़ो पहली भगवान ने आज जोड़ प्रणाम कर भगवान ने याद कर भोजन करे, इतना दिन तो भगवान कांटा आया नहीं आया लेकिन आज नगद भगवान सामने बैठा पंडित जी हाथ जोड़े श्रद्धा वंदन भगवान क्यों कौन जी में। भगवान कृष्ण गुडाड़े गुडाड़े चाल पंडित जी तो आंख बंद ही जीते ने थाड़ी लपर को ले लियो खीर रो, पंडित जी आंख खुली बोले माँ आ खीर तो जुटी हो गया तुम्हारा काम वो तो टाबर थारो जुटी कर दी खीर, बोले महाराज तो बालक है अभी न का समझा थे दूसरी ले लो भी बर्तन में दूसरी कोई खीर ही मांदूड़ी थाली में बात माँ यशोदा ने दीदी दूसरी थाली में ले खीर यार पंडित जी तो हमेशा जीवन रो स्वभाव पड़ियोड़ो पहली भगवान को प्रार्थना करे के हे गोविंद आओ भोग लगाओ, अब आज तो गोविंद नगद बैठा एकदम फिर दूसरी बार बोले माँ ओ थारो बालक बड़ो चंचल है ओ मैंने भोजन करने दे कोने आ रहे
दूसरी तीसरी बार और खीर बनाई। अब की बार थाली में ठंडी करी, भगवान देखियो रे बामण अड़ने तुम कह हे गोविंद भोग लगाओ, अड़ने परेशान है भूखो है। धीरे सी कान में जार कह बामण भोजन करना जन तो कर ले रिया, तू मने बुला ही देना, मैं फिर सामने खड़ो किया खड़ो क्या रही दे बता। अब पंडित जी री चांदन हुई कह हाँ आपा जके ने याद करता ने की जीवन हो गया वो आज सामने आ चुके, आँख खोले तो सामने साक्षात नारायण आप रूप में खड़ा उर्बी ने दर्शन देवे। पंडित जी महाराज ने बोलिए भगत वत्सल भगवान की। ये सब अनेक प्रकार की लीला पूज्य गुरुदेव राजा परीक्षित ने स्मरण करावे। आगे धीरे धीरे देती लोग भी बीच बीच में आता रहे, मारो काम करता जावे और दूसरी लीला भी भगवान श्री कृष्ण करता जावे। आगे माखन चोरी की बड़ी विशेष लीला सुनावे। जब जका लोग परमात्मा के प्रति श्रद्धा नहीं रखे और शास्त्रों या अध्ययन कौन करियो पूर्ण रूपों तो भ्रमित हो जाया करे, तो दूसरा लोग कवे भी के महाराज ए काई भगवान है थारा, कदी तू कपड़ा चोरियां कर ले, कदी दूध दही माखन चोरियां करे, कदी मटकियां फोड़ दे, कोई भगवान हो यार। लेकिन भाई कथा सुनी है थे आ कोई रे घरे आपने बड़े राम कोई सुनी के भाई भी फलाने रे दादे रे बीरे पड़दादे रे घरे कृष्ण भगवान आर मटकी फोड़ गया। फोड़ी तो जरूरी लेकिन फोड़ी गिरी जका ऋषि लोगा कई जन्मा तक तप करियो बे मटकियां फोड़ बे चोरियां करवाण खातर घरे भगवान अवतार लेवे और मारे घर आवे, कई जन्म तप करियो जद दार मारे घर आया थानिया भगवान यार आपा एड़ी बात करा नहीं गए भाई भगवान थारा चोरी करे यार कपड़ा ले जा माखन चोरी गिरी करी सात गड्डी में बताओ कोई कठी कोई रिकॉर्डिंग हुए तो कहे मारे घरे भगवान आ गया तावनी फोड़ दियो भाई। लेकिन वे चोरियां करण खातर आगला लाखों जन्म हार गया जद जार मारे घरे भगवान वा लीला करने वास्ते गया है। गिनतीरा लोग आई कथा रे मायने गाई दे बे आपा थारे थारे मारी कथा कोई गाई दे कथा मारी गाई दे जका ने घरे भगवान आया वहां यत्न करियो मेहनत करी परमात्मा की भक्ति करी ई वास्ते भगवान की कोई भी लीला है वीर मायने संशय नहीं करनो, श्रद्धा और भाव प्रेम सुननी और स्वीकार करनी चाहिए। अबार एक मारे बूढ़ी आया अबारी मैंने पूछने के महाराज और तो सब बात ठीक है थे, काल राजा सगरी बात कही मेरे 60,000 पुत्र। अब 60,000 पुत्र महाराज मारे कोई समझ आई कौन बात, अब समझने वास्ते थे तो थोड़ा सा पीछे जाओ, वो तो कलयुग है सत्युग है त्रेता है द्वापर जो जो पीछे युग में जाओ तो ये पुराण में लिखी हुई कि फलाने ऋषि 10,00,000 वर्ष तपस्या करी, सुनिए दे 20,00,000 वर्ष तपस्या करी, 10,000 वर्ष तपस्या करी, जो भी लाखों पर हजारों पर तपस्या जगह जगह प्रमाण आवे पुराण मायने। अब 20,000 वर्ष थे तपस्या कर सकोगा ये बताओ, थाने कह दे भाई 20 कोई भी कह दे तुम 20,000 वर्ष तपस्या कर सको थे कह महाराज 20,000 वर्ष तो कोई करोड़ों बार जन्म जना हुई 20,000 वर्ष तो उम्र ही कोनी फिर तपस्या क्या करा, तो जका 20,000 वर्ष तपस्या कर सकता 12-60,000 पुत्र भी हो सके, जका 20-20,000 वर्ष 40,000 वर्ष जी सके नहीं 12-60,000 पुत्र भी हो सके। आ आ ये थोड़ी विदम दोनों का नहीं लगाया करो बात में, बाकी रही बात पुराण की जो भी कथा है। अब आपने जो 60,000 हो गया तो आपने कल्याण में कठ बाद आवे ये बताओ यार, जे कोई एक पुत्र हो तो आपने किसो कल्याण कर दे आपने, तो भी कथों कथा काई कहनी था कि 60,000 होते हुए भी कुछ कौन कर सकया, 60,000 एक साथ हा लेकिन फिर भी मारी दुर्गति हुई मारी गति करावना एक ही हो कोई अंशुमान भाई जको एसम जो सौ बीरो पोतो पड़पता में बीरो वंशज एक होनी जकेरे वंशाला आर बारी 60,000 की मुक्ति कराई है परमात्मा ने, 60,000 हा लेकिन कर कहीं कौन सके आपने कथाओं कहीं सीखनो है घनी गिनती होने कहीं कौन हुए कथा तो इं कहना चाहो इं कौन आप भी गहराई में उतर जाओ 60,000 क्यों यार महाराज हमें मारो तो मन खराब क्यों और मारो तो उस जगत में कल्याण होना ही मुश्किल है, वो सब्जेक्ट नहीं है अपना आपनों देखो विषय है बिन पकड़ने की कोशिश करिया करो। कई बार हुए बूढ़ो आदमी है घर में और सामने पोतो बैठो छोटो, वो पोतो घड़ी रसोई में जावे खांड खाया हुए घड़ी पता सा खाया हुए घड़ी कटे की मीठू मीठू खावे, वो दादो भी ने समझाने वास्ते कह बेटा बैठ तू क्या मारा दांत दिखे जन दादे रे दांत है कौन, पोतो कह दादी है ही कौन दांत कटे नार तू सीधो आड़ो है बस के मैं आई कहनी चाहूँ, दादो कहे पोते ने आई बताना चाहूँ बेटा थाल दई में दौड़ रसोई में जाओ तो खांड खा जा तो दौड़ जाओ तो पत्ता सा खा जा तो दौड़ गुड़ खा जा तो यह करता कर मारा दांत है मिठो खाने खाने जाता रिया। अब अगर तने दांत चीजें नहीं वो इतो मिठो ना खाया करे
अब दादे रहा हूं, दांत क्यों गया था है? उम्र गया है, 90 साल 100 साल उम्र होगी, धीरे धीरे उम्र हो गया, लेकिन वो टाबरे बहुत डर गयो, देखियो रे खांड खड़े हो दांत पड़ गया, दादेरा काल ने अपना दांत पड़ गया तो टाबर सगड़ा तिड़ा गया, वो क्यों आ गयो खांडियो आ गयो। दादे एकदम कूड़ बात कही, लेकिन भी पोते 100% बा गुण कर गई, और दादे रे कहीं गलत काम गयो यहां बताओ, आई पुरानी कथा है, सही पुरानी कथा सगड़ी बढ़िया है, लेकिन एकादी गले न उतरे, लेकिन दादेरी भी कूड़ भी पोते रो तो काम सुधर गयो नहीं, वो तो जिंदगी भर दांत मजबूत रही, नहीं तो मिट्टो खाए तो जड़ा खराब हुई तारी। ई वास्ते एड़ी बहुत सारी कथा वे जकी आपा ने समझाने वास्ते महापुरुषा उदाहरण दृष्टांत गलिया पुराणा रमायण, तो भी मैं घणो भ्रम नहीं मन में फैलाणो, घणो गहराई में घणो डूबणो नहीं चाहिए, आपने सीधो सीधो मार्ग बे बोगरे जिते बढ़िया है, भगत वत्सल भगवान की। अब जितनी टाइम है भी साहू कहूँ कथा थे और वो देव तो देव बोली छोड़नी पड़ी, जितनी छोड़नी पड़ी भी तो समय बीती सुना दे उन्होंने, कई कई बूढ़िया कमरों ठा पड़ गयो नहीं मारो, पर कमरे में आ जा तट के मरा थे आ कथा छोड़ दी आज, एक बार मन और कहीं कह गया हटी है बूढ़िया राजा शांतनु जी गाय, अब कथा कदी पहले दिन ही छूट रहेगी लारे, हमने पार सुनानी शुरू करो तो ए रह जी लारे, बात सागी रही कह बार राजा शांतनु नाली सुनायो, मान लो थाली बात सुनाओ आधे पूर्ण घंटे की ए आग नहीं रहती, अब थे को जगह सुना दू मैं तो मूल कोई बात नहीं, जो भी कथा है जीतो अपना समय है, मूल लक्ष्य होना चाहिए कि आपने जीवन साथ जोड़ने रो प्रयत्न करो प्रत्येक कथा ने, भाई आपने ये कथाओं आपने जीवन साथ कहीं मिलन लाग रही हो, आप यू किता दूर हाँ आपने कहीं शिक्षा हासिल करनी चाहिए कथाओं, बस यहाँ बता रहा ध्यान रखना चाहिए थोड़ा, बाकी तब सब कथा तो बहुत सारी हरी अनंत हरी कथा अनंत कहीं सुनई बहु विधि सब सुनता, परमात्मा की कथा तो अनंत है पूरी हुई कौन सके सही जिंदगी भर करो कथा। माखन सोरी री लीला पूज्य गुरुदेव श्रवण करावे, आगे नल कुबेर जो है वृक्ष योनि में है, बाने भी वृक्ष योनियों छुटकारो दिलावे, भगवान कृष्ण मारे ऊपर कृपा करे, फल बेचने वाले एक मालिन हुए बीरे ऊपर भी भगवान कृपा करे, अनेक प्रकार जो भगत है मान आशीर्वाद देते हुए धीरे धीरे ये बालक भी बड़ा होता जावे, भगवान कृष्ण दी एक बहुत बड़ी मंडली बन जा, 150-150-200 छोटा छोटा बालक, और धीरे धीरे करता करता गोकुलू वृंदा बन जाता रहे, सब लोग तय कर ले कि भी अठे देते लोग बोत आवे आप आटो थोड़ी जगह बदली कर लो, वृंदावन जाने के बाद में भगवान श्री कृष्ण एक दिन माँ यशोदा ने बोले माँ मारी भी इच्छा है गया तरण वास्ते जाऊँ, बलराम जी गया तरण जावे, माँ यशोदा एक बार तो स्वकृति कौन दे लेकिन ज्यादा जिद करे जद बोले बेटा थे या करो छोटा छोटा बछड़ा बछड़िया है नहीं ए अपने नजदीक नजदीक चरार लिए या करो, तो भगवान कृष्ण और मारा साथी सका ग्वाल बाल बहुत सारा बड़ो आनंद लेवे, साथ में टिप्पण भोजन आप लेर जावे, और थे ज्या सामरा एक साथ में बैठ अब मैं अट तक कहूँ लाइव चाले थे बड़े तिल मार पिया करो नहीं ऊँचा दौरे पर बैठ 10-20 देना, और टीवी में घना जगह जाए खाली आपनो गांव ही कौन देखो चले चैनल थे भी समझो ये बात नहीं, आपनो देश नहीं कई देश में जावे वो आपनो लाइव चले भी छोटी मोटी बात कहें तेने कह ले जस्ट मेरे लोग तिलमा पिए कथा पड़े, फिर भी जहाँ सामरे बैठे करो थे 10-20 देना दौरे पर बड़ा आनंद ले वो बातें करो सत्संगरी अतः ही करो, मियाँ बे ग्वाल बाल भी गाया थराता थराता दिन में आप एक साथ में बैठता और घरों टिप्पण लेर जाता है एक दूसरे टिप्पण ओ इन्हें भोजन पुरसे ओ बड़ो आनंद लेता, एक दिन कहे कि मधुमंगल नाम रो भगवान रो सखा वीर ने तो गाया है ने बथड़िया है कुछ भी नहीं है लेकिन वो भगवान रो बहुत ही प्रेमी भक्त है प्रेमी दोस्त है भगवान रो समझो आत्मा है भगवान कृष्ण दी, भगवान मन में विचार करियो रे इरे बिचारे रे कहीं है ही कोनी अरे इरे भागी रेखा में कहीं कोनी और मारो साथी है तो इन्हें कुछ न कुछ देनो चाहिए और देने वास्ते अब थे तो किसान आदमी एकदम सही समझ में आ जी थारे खेत रे मायने बलि 0 अब 60,000 रुपया कुंटल लेला लेकिन जे 0 उगाणो चाहो तो कहीं करना पड़ी पहली भी बीज जीरे रहा भी फेंकना ही पड़ी जद योग थे चाहो 0 महंगो बीजा कोनी भगवान को प्रार्थना कर बोगरा ये भगवान 0 महंगो खरीदा तो कोनी पर मारे 0 उगा दी खरीदा तो कोनी पर उगे कदी कोनी उगे पहली तो खर्चो करना ही पड़ी भगवान मन में देखियो रे ईर की रेखा में ही कोन की खर्चो करियोड़ो ही कोन बिचार कना आई कटम
बीरो लगाने वास्ते भगवान कृष्ण बोले रे मधुमंगल तू हमेशा ने तो घरों रोटी लावे ने टिप्पण लावे ने थारे कोई गाय टगुड़ की तू रोजी ना मारे साथ आ जाए मारे टिप्पण में भोजन करे आज सब कोई टिप्पण नहीं खोलो ला मधुमंगल घरे जाई आप रे घरों टिप्पण ले आई ईरो टिप्पण सब बांट बड़ार खार फिर आप भोजन करा जीते कोई नहीं जिमेला। अब मधुमंगल बिचारो घर का नहीं देखे तो मेरे घरे कहीं हो ही कोनी बूढ़ी माँ है और भाई बीमार है सुती रे घरे कहीं एड़ो जुगाड़ी कोनी आने टिप्पण जिमादा देड़ो ला लेकिन बिन ठाओ वो जिद्दी भी बड़ो है वो जो की बात कह दे सही धरती उलट फुट हो जाओ करिए ही छोड़ जद बिचारो मुंडो उतार बो मधुमंगल धीरे धीरे रवाना हुई घर का नहीं आप घरे दार माँ ने कहे माँ आ तो लालो बड़ी जिद कर बैठ गई वो कहे थारे घरों टिप्पण लाई तो ही नहीं तो भोजन ही कौन करा। वा बूढ़ी माँ बोले बेटा आपने घर में तो एड़ो तो कहीं कोनी मैं काल साथ लाई हूँ पड़ोसियों मांग रहे साथ पड़ी है थोड़ी एक कुल्हड़ की है माटी री आ ले जा तू है जी वो समझ जी सब वो तो सब जानी जाने सब समझ जी। अब वो बालक कहीं करे घरों बा खाटी साथ ले रवाना हुए और भगवान रो एकदम आत्मा जुड़ी उड़ो मित्र है। अब कुल्हड़ की लेर बैठा मैं तो कई बार खेत आप पहले गया करता रही हूँ कोई सामान हाथ में थक जाओ ना अटा हाथ पर ले ले गया बिन इया लीर बिन खाटी खाटी सुगंध आई कुल्हड़ की मुंह वो डर गयो वो कह रहे इतनी खाटी छाछ अगर वो लालो अगर पी गयो एक ही गुटको ले लियो तो वो तो तुरंत बीमार हो मारो दोस्त मारो मित्र अगर बीमार हो गयो तो मारो तो कोई कौन संसार में कहीं करना चाहिए। यूं करता करता वो सोचता सोचता बिल्कुल नजदीक गयो सामने भगवान सब ग्वाल बाल बैठा और सामने खड़ो रहे भी देखियो मैं पीलू सगड़ी छाछ अब ओड़ वो भी कौन दे सके कह दे भाई मन भूख लाग गई मैं कहीं करूँ यार पाछो मैंने घरे की भी भेजे को नहीं यार इर पेट में भी जाओ कौन था कि वो बीमार नहीं हुए आ सोच रो गट 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 पीण लगी और भगवान क्यों भगवान तो सोचुड़ी ईरो की दिया बिना इर घरे आए क्या भगवान बटो दौड़े थे जितने तो भी दबा दबी ऊंदा लियो छाछ कोई मुंडे साइड डाउन ढूंढी दौड़ रार भगवान भी नजीब हूँ उन्हें पसंद चाट गया क्योंकि भगवान ने ठाव भी ईरो बीज खेत में उगे हैं भी नहीं घरे आए घटो अड़ने आ लीला ब्रह्मा जी देखी ब्रह्मा जी देखी जन ब्रह्मा जी ने संशय हो गया लो खा लिया नहीं कमार कठे तो धरती माता प्रार्थना करी कठे भगवान विष्णु अवतार लियो धरती पर देती लोगों ने मारण खातर अरे छोटा टाबरा जुटा मुंडा ताड़ता फिरे ए किसा न्याल कर दी ब्रह्मा जी ने गयो भरम ब्रह्मा जी परीक्षा लेने रे लक्ष्य हूँ अब कहीं करे आज वे छोटी छोटी बछड़िया बछड़ा जगह साइड में करने लाग रिया बने ब्रह्मा जी आपरी मायाओं गायब कर दिया। अब भगवान कृष्ण ने पतो लागियो भगवान बोले रे भाई बैठो थे मैं थोड़ी गांव में गया घेर लू ते साथी मित्रा बे कहीं भगवान माने बे तो दोस्त मित्र मानता भगवान ने बोले रे काना आज तने माँ कहीं पाटी पटार बीजी रे तू तो जिंदगी में कभी गया कौन घेरी तू तो पंचायती करे हमेशा बैठो बैठो कह रहे पूछा तू घेर ला कान या तू घेर ला तू जिंदगी में आज गया घेरने क्या जावे था भगवान बोले नहीं नहीं कहीं कौन थे बैठो भगवान गया आगे गया तो हकीकत में गाई बार पथरा पथरी हाई कौन है वापिस आवे तो बे ग्वाल वाल मान नहीं ब्रह्मा जी आपरी मायाओं गायब कर दे। अब भगवान देखे ब्रह्मा जी ने भी थोड़ो अहंकार हो गयो दिखे आप पदरो भगवान कहीं करियो आपरी माया रे द्वारा एकदम बेड़ार बेड़ा बछड़ा बछड़ी बना लिया बेड़ार बेड़ा ग्वाल वाल बना लिया एक साल तक ब्रह्मा जी माने लिया बैठा रहा ब्रह्मा जी रे साथ में तुम तो वो चोर एक कोई चोरी करिया कर तो रोजीना छोटी मोटी चोरी कर तो एक दिन और तो की लादियो को नहीं आंधिया बाजे बे तो पाछो खाली हाथ आयो तो एक खेलडी ऊंट खावे मोटो ऊंट उबो खेलडी खावे तो खेलडी चरते ने दी आप मोरी खेस ली घरे ले आ गयो राजी राजी हो घरे लायो जीते तो रात पड़ी उड़ी जीते राजी दिन उगे और घरे लुको कटे इतने मोटे धन ने दिन उगते भी तनाव पड़ गयो मर पड़ भी झोंपड़े लारे थोड़ी बाड़ बूढ़ लगा लारे बांधियो अब घराड़ी के इन्हें खबावा कहीं जम दूत हमेशा तो आप रो पेट का भरण खातर चोरी करनी पड़ती अब पीरे खातर रोजी ना रो एक कुंटल चारो तीन चार दिन तो दौड़ियो भाई चोरियां करी पचे हाथ जोड़ दिया भाई इन्हें छोड़नो ही ठीक है क्योंकि वो तो आपा ने आपना गुदड़ा बिका दी आई स्थिति ब्रह्मा जी रे साथ होगी ब्रह्मा जी कह रहे आ तो तुम लेने रहा देना पड़ गया आना सेवा करनी दौरी होगी छोड़ो पाचा एक साल के बाद ब्रह्मा जी वापिस माने छोड़े और साल रे बाद में बे वापिस दार बे बालक आप रे घरे एक साल पहली री कोई एक देती मारियो भी देती री घटना सुनावे के वहां आज लालो नहीं उतो तो मैं तो मरिया होता सब एक बक्का सुर नाम रो देती हो मैं गुफा समुद्र भी मुंडे में बढ़ गया यार भी तो माने सगड़ा ही तबा ले तो लेकिन वो तो लालो सब हो एक साल बाद में क्योंकि वह बालका ने पत्तो ही खोल लगे एड़ी परमात्मा की माया एड़ी परमात्मा की कृपा अनेक प्रकार की लीला पूज्य गुरुदेव राधा परीक्षित ने स्मरण करावे।
बोलो हर हर महादेव की जय। अपर बीसवें परम श्रद्धा आदरणीय महान तपस्वी श्री एक हजार श्री महंत जगरामपुर जी महाराज पनानिया का तला पधारे, जोरदार तालियां स्वागत। बोल धर्मपुर जी महाराज की, बोल धर्मपुर जी महाराज की। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो प्यारो सो नानो सो मेरो मदन गोपाल, तेरी प्यारो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो प्यारो सो नानो सो मेरो मदन गोपाल, एरी प्यारो सो मेरो मदन गोपाल। कारी कारी गैया गोरे गोरे ग्वाल, कारी कारी गैया गोरे गोरे ग्वाल, श्याम वरण मेरो मदन गोपाल, एरी श्याम वरण मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो प्यारो सो नानो सो मेरो मदन गोपाल, एरी प्यारो सो मेरो मदन गोपाल। घास खावे गैया दूध पीवे ग्वाल, घास खावे गैया दूध पीवे ग्वाल, माखन खावे मेरो मदन गोपाल, तेरी माखन खावे मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो प्यारो सो नानो सो मेरो मदन गोपाल, एरी प्यारो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी लकोटी छोटे छोटे हाथ, छोटी छोटी लकोटी छोटे छोटे हाथ, बंसी बजावे मेरो मदन गोपाल, एरी बंसी बजावे मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो प्यारो सो नानो सो मेरो मदन गोपाल, एरी प्यारो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी सखिया मधुबन बाग, छोटी छोटी सखिया मधुबन बाग, रास रचावे मेरो मदन गोपाल, एरी रास रचावे मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो प्यारो सो नानो सो मेरो मदन गोपाल, एरी प्यारो सो मेरो मदन गोपाल, एरी प्यारो सो मेरो मदन गोपाल। भगत वत्सल भगवान की जय।
राम। पूज्य गुरुदेव सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित ने भगवान कृष्ण की बाल लीला स्मरण करावे। बाल लीला प्रसंग में अनेक प्रकार की लीला कालिया नागरी लीला सुनावे, आगे चीर हरण की जो विशेष कथा है स्मरण करावे, गोवर्धन पूजन की कथा पूज्य गुरुदेव राजा परीक्षित ने स्मरण करावे, आगे रास लीलारी अनेक प्रकार की कथा ब्राह्मण पत्नियों ऊपर कृपा करे भगवान सब लीला सुनाते हुए। एक बार ब्रिज मंडल की गोप बालिकाएं गोपियां इत्यादि सब एकत्रित हो और भगवान कृष्ण के सामने प्रार्थना करे, लाला थारी जो वेणु वादन है मुरली तू बांसुरी बजावे, तू थोड़ो सो कृपा कर मारे पर, थोड़ो सो ध्यान रखा कर, काम रो टाइम वे भी टेम मत बजाया कर, लाला थारी बांसुरी न जाने इरमा ने ईश्वर में कहीं जादू बरीड़ो है, जद भी ये मुरली री आवाज आवे तो मारे हाथ में जो भी काम हुए मैं काम करनो भूल जावा और अपने आप ने भूल जावा, लाला थारी बांसुरी आवाज में कोई एडो जादू है ये वास्ते तू मारे ऊपर कृपा कर, भला भले तू बजा लेकिन समय देकर बजाया कर, मारे काम रे समय में बांसुरी मत बजाया कर। कुछ समय बाद में एक दिन भगवान श्री कृष्ण रात्रि समय माने वेणु वादन करें और महाराज भगवान परमात्मा री वाणी वैसे ही मधुर हुए, 84 कोस ब्रज मंडल रे माने भी वेणु भी बांसुरी री धुनी धुन व्यापक होगी, जी जगह ब्रज गोपियां गोपिकाएं गोप बालिकाएं आपो आपरो जो भी काम करे भी बांसुरी री बात धुन सुन और अपने आपने भूल जावे, हाथ में कहीं काम हो कणा छूट के कणा रवाना हुई कणा भगवान कृष्ण कन पहुंच की पतो को लगी और आधी रात्रि के समय में असंख्य संख्या में भगवान रे सामने गोपियां खड़ी है। भगवान अचानक मुरली बजानी बंद करे और वहां गोपियां ने देखकर बोले, रे गोपियां थारो दिमाग ठिकाने है कोने, रात्रि समय मायने अटके वास्ते आई हो, आपो आप मालिक री पति री सेवा करनी चाहिए था ना, अठाई और रात्रि समय में ध्यान कौन डाले, अब वे सब अचानक आप रे अपने आप में शुद्ध बुद्ध बार आई क्योंकि इतनी देर की बांसुरी आवाज रे मायने इतनी मंत्र मुग्ध होगी वन पत्तो को लगी मैं कद चाल रहा है कितनी दूरी तय कर रहा है एक सुनसान जगह रे मायने, अब आई गई तो एक गोपी है भगवान री बड़ी भगत है, वैसे सभी भगत है लेकिन आपो आप दायर हो गए, वह सबू आगे दार बोले, रे लाला अब आई गई तो कमो कम एक मैं प्रश्न पूछूं तने बीरो जवाब दे दे फिर मैं वापिस जाती रहा, फिर तू दोबारा कदी मुरली बजाई तो ही थारी बांसुरी सुन री कोने आवा, तू एक जवाब दे दे बात रो। वह गोपी पूछे, लाला कोई पतिव्रता स्त्री है और मेरा पति देव बोले मैं बारे जाऊं कठिन कठिन दिशा और कमाई करने वास्ते 5-6 महीना बाद में वापिस आऊं, गोपी पूछे भगवान ने आप रो प्रश्न और वह पतिव्रता बोले कि पतिदेव मैं तो आप रो दर्शन करिया बिना भोजन ही कौन करूं पानी कौन पीऊ, 6 महीना तक आप नहीं आओ तो मैं तो मर जाऊं, ऐडी स्थिति में पति समझावे देवी अपनी घर की कुछ व्यवस्था देख रेख रे वास्ते व्यवस्था संभालने वास्ते मन जानो तो पड़ी लेकिन तू यहां कर मारी तस्वीर मारी फोटो राख ले और जद भी तने भोजन करना हो जल पीनो हो फोटो री पूजा कर जल पान कर दे। वह गोपी पूछे भगवान ने लाला ई रो उत्तर दे दे फिर मैं रवाना हो जा, बोले पूजा करता करता 6 महीना हो गया, एक दिन 6 महीना रात्रि समय में वह पूजा करने लगी और साक्षात मेरा पति देव हकीकत में जो बारे गेड़ा बे आर बारह दरवाजो बजावे देवी दरवाजा खोल मैं आ गयो और लाला अड़ने तो बा पतिव्रता आप पति की तस्वीर पूजा करने लाग रही फोटूरी अड़ने वो पति देव बारह आ गयो, अब इन्हें दरवाजा खोलना चाहिए या पूजा पूरी करनी चाहिए बीच खड़ो होना चाहिए या नहीं खड़ो होना चाहिए। भगवान कृष्ण बोले गोपी तू गली है गाई भी तस्वीर साक्षात मालिक ही बारे आएगी तो फिर पूजा तस्वीर ही कह खातर फिर भी मालिक कर जा मेरी पूजा कर बस वाला आई बात थारे हूं कहवाणी तू तू कह थारा मालिक की सेवा करो मान तो जन्म ला गया मालिक ढूंढता ढूंढता कई जन्म बीत गया ढूंढता ढूंढता आखिर में ये मालिक कन आया हकीकत ओ मालिक माने किसे मालिक कन भेजे वो समझा दे मैं फिर दोबारा थारे कन कोने आवा। भगवान निरुत्तर कर दे गोपी आप रे प्रसन्न और आखिर बारी इच्छा अनुसार वरदान देवे रास लीला रो प्रसंग हुए। अनेक प्रकार की लीला पूज्य गुरुदेव राजा परीक्षित ने सुनाई, देखो भक्ति जद भी भगवान री आपा करा तो भक्ति रे माने परीक्षा तो देनी पड़े मानो या ना मानो,
गोपियां हमेशा रात दिन परमात्मा साथे रहती, लेकिन परीक्षा कई बार परीक्षा देनी पड़ती। मीराबाई बात बात रे छेड़े मीराबाई ने भक्ति परीक्षा देनी पड़ती कि भगवान री भक्ति काई प्रकार करनी है। तो भक्ति करनी इतनी सोरी भी कोनी, परीक्षा भी देनी पड़े, लेकिन अगर परीक्षा में जीत गयो तो बाद में मेरे वास्ते कोई कमी भी कौन रहे। किसान माँ खेत में काम करने वास्ते जावे, छोटो बालक है, छोटो बच्चो है, आप रो कोई वृक्ष रे नीचे पालनो, कोई चुनड़ी इत्यादि रो पालनो बना और भी बालक ने सुला दी और आप काम करे। काम करता करता वो बालक रोने री आवाज आई तो छोटी बेटी है साथ में, जा बेटी भाई रोवे भी नहीं बोलो राख। वह बच्ची जाए थोड़ी देर दार भी पालने ने इंडो दे, वो चुप रह गयो भाई इधर तो ठीक है, अगर चुप नहीं रही तो काई करी साथ कोई खिलो ना वे खुणकणिया खणकणिया बजाने रहा वे बीर ऊपर बजाई खुणकुणियों बजाने, वो चुप रह गई इधर ठीक है, फिर भी अगर चुप नहीं रही तो वह बहन काई करी भी आपरे भाई ने भी पालने वो बाहर निकाल गोदी में लई थोड़ो बहुत अटी बटी घुमाई। अब भी अगर बोलो नहीं रही तो अब काई करी बहन, बहन माँ ने आवाज दे के माँ वो भूको है भाई थारे बिना कौन रेतने आना पड़े। आ कहीं माया है पहली, परमात्मा की भक्ति आप करनी शुरू करी तो बैन माया रूपी बैन आई है। आ कहीं करी खुनखुनियों बजाई सही ग्रस्ती है सही महात्मा है, दोना का नहीं, जो भी भक्ति करनी शुरू करी है सही महात्मा है, पहली महात्मा समझ लो पर थान ली समझाऊ। आ माया किया खुनखुनियों बजावे बहुत दूर कटी पहाड़ पर एकांत देकर महात्मा कह रहे दुनिया तो आप घणो ही देख लियो, अरे थोड़ो एकांत में भजन करा। ऊंचे ऊंचो पहाड़ कटी देकर जा रहा महात्मा, एक भाटेरो कोई सारो लेर बैठ आप भजन करना शुरू कर दियो। 10-15 एक दिन शांति में बैठ के माड़ा फेरी जीते कोई गांव रो आदमी देखियो रे कोई महाराज बैठा है, वो दोरो सोरो गयो चढ़ प्रणाम कर बाप जी भोजन कहने नहीं, भोजन बाजन कहीं को नहीं, वो घरे गयो टिप्पण लार दे दियो। जार गांव में अरे कब महाराज बड़ा तपस्वी बड़ा त्यागी महाराज, तो 15 दिन हो गया भूखा बैठा बोलिया ही को नहीं, अब काल टिप्पण थारे करूं गयो परसों बीने करूं, यूं करता करता महाराज ने तो दो रोटी छोड़ रहे टिप्पण सोए कहा जा बेटे। आ कहीं बहन आई है कुनकुनी बजाने जरूरत एक टिप्पणी लेकिन 100 टिप्पण आना शुरू किया। अब महाराज ध्यान कौन दियो भी बात है आप री उधर पूर्ति करी रहा पर आनंद ले बस भजन करे दोनों ही पक्ष है सही, ई पक्ष में उगियो तो ठीक है हार नहीं मानी तो आकर पार हुई। अब कहीं हो कि थोड़ा दिन में गांव वाला भेड़ा हो यार भाई आगे चामासो आवे, बाप जी तो 3 महीना हो गया अट बैठा सफाई भाटे रखने बैठा है, आपा सगड़ा आपा अपना कुलर तलार बैठा ठंडी हवा में बैठा यार महात्मा है नगरी रखने बैठा है बरसात भीगी नहीं, गांव वाला भेड़ा उर्दार कोई पट्टी कोई भाटो ईंट कर रही है कोठड़ी बनाए है सगड़ा गांव वाला बने रहे वो तो ठीक कौन बनियो, आपा ही कई बार दवा रात बिरात सोमारी सत्संग हुए एक होलड़ो और बना लो ये कर होल बना दियो, इन्हें सरपंच कोई योजना आई कोई कमरों बना दियो, यूँ करता करता बाप जी कटत लाई छोड़ रहे यार कटत चारों कहीं कड़ा का लगा दिया मकानारा। अब बाप जी झाड़ू काटे माड़ा फिरे लेकिन दोनों ही बात है, अगर बाप जी बीर कान ध्यान नहीं दियो तो बस वहाँ खुणकुणी माया बजाती रहो बोले आप रो भजन करे मस्ती हो थे तारा मकान बनाया थे झाड़ू काटो थे कड़ी रंग पोता करता रहो यार जे बीर माए ने खुणकुणी कान राजी हो गया था ना माँ आवे को नहीं और राजी नहीं हुआ बाद में फिर धीरे करते करते अरे भाई मरा तो रात में कड़ाई सत्संग में कटी जा कड़ाई कटी जा बेचारा पैदल दौरा वे आपने सब आजकल घर में गाड़ियां हैं सरपंच गियो गांव री नई कड्डा गाड़ी बाप जी आ चाबी राखो एक तेलेरी अरदास है थोड़ी थाने इन्हें भी नहीं जानो वे आ कहीं अब भी बहन माया रुकी आई है गोदी में उठा लिया है ठेठ फिर भी महाराज भी ने चाबी कौन दे महाराज के कोई बात नहीं छोड़ दे भाई गाड़ी जाना थे जाना था काम जाना फिर भी आपकी माड़ा रट्टी राखी तो आखिर परमात्मा कृपा करे तो एडी करे कि फिर भी दुनियादारी कोई मतलब को नहीं और ये था लोगों साथ भी हो जाया करे एक कोई चेलो बनियो बाप जी रो पहले दिन बाप जी कह दियो रे भाई घरे सुख शांति रही रोजीना सुख थारो कने खेत है रोजीना समाधि रा दर्शन कर 10 मिनट माड़ा फेर पाठ पूजा कर सेवा कर फिर गया कर भी चेले शुरू कर दियो गुरु जी रो कहना मान दियो 5-6 महीना चौकी साधना हुई एर पहली तो खेतड़ी ढीक ढीक होती 5-6 महीने में कोई 6-1 घंटा बारी मिल गई एक्स्ट्रा नहर को तब आएगी। अब खेती थोड़ी बेसी होने लगी भाई बाप जी तो कवे लेकिन हमें चमासो है हमें रोजीना गया पार थोड़ी पड़े आ कहीं माया आई है रोजीना पार थोड़ी पड़े अब हफ्तेरा हफ्ते गया करा यूं करता करता खेती चौकी हुई थोड़ा पैसा भेड़ो यार 2 मुरबा जमीन भड़े खरीद ली कने यार बीमी नहर पानी टुबेला टुबेला उड़ी अब माया कहीं करिए खुणखुणी बजाई ऊपर भाई बाप जी तो घना ही नियम तो घना ही बताया लेकिन हमें यह करा आपा अमाओ से गया सग्या करा रोजीना ना बाप जी ने तो यही काम है रोजीना चमासो कर बैठ दिया आपा कौन सा रोजीना गिरा आ कहीं करे माया खुणखुणी बजा दियो। बाद में धीरे धीरे करता करता कोई शहर में फ्लोट हो गयो यूं करता करता बाप जी कि नहीं गया आपा कि नहीं ये सालों साल ही पता नहीं गया माया लेगी करने
फेड़ भी खुनगने बजाती लेगी और जे एड़ा भी बहुत सारा वह बोली कितनी माया आएगी कितनी मुरबा कितनी दुकाना लेकिन जगो गुरु महाराज नियम बुला दियो सही परले हो जाए लेकिन वो नियम नहीं छोड़े तो आखिर बीरे कने कोई प्रकार की कमी को हर प्रकार आनंद ही आनंद है भगत वत्सल भगवान की ये ऐसा अनेक प्रकार की कथा पूज्य गुरुदेव राजा परीक्षित ने श्रवण कराई आज की कथा रो समय हो गयो आरती कर ठीक है सब ओ मनु माइक ओ स्पीकर हटा दे सब जना खड़ा हो रहा हमेशा करा दिया आरती करनी है प्रत्येक आदमी भाई बहन सब ने आरती कर देना है क्योंकि भगवान रे हाजिरी लगे आ कतारी और धक्का मुक्की भी कौन करनी आराम आरती कर ले तो तुरंत पाछो लारे जातो रहना ई बात रो ध्यान राखियो भीड़ नहीं करनी आगे भगत वत्सल भगवान की राम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि आरती बाल कृष्ण की जय I'm not afraid.
सुधर कन्हैया मन ले तो चुरैया दे ले तो चुरैया यह छवि नयन में भर ली दे यह छवि हर ली दे आरती बाल कृष्ण की जय तुम करुणा के
जगदीश हरे दीन बांधो दुख हरता तुम ठाकुर मेरे हो स्वामी तुम रक्षक मेरे अपने हाथ उठाओ करुणा शरण बनाओ द्वार पड़ा तेरे ओम जय जगदीश जगदीश हरे ओम जय जगदीश हरे सदा ज्ञानी